जी, क्या कामयाबी के लिए दुआ मांगी? बस मैं हमेशा बाबा से अपने और अपने परिवार के लिए दुआ मांगने आती हूँ। और वैसे इनसे क्या मांगूँ, इन्हें तो सब पता ही है कि मुझे क्या चाहिए। और बस आके बैठ जाती हूँ, आशीर्वाद दे देते हैं और मुरादें पूरी हो जाती हैं। इसीलिए चाहे जब भी मैं अजमेर के आसपास भी आती हूँ तो पहले बाबा के दर्शन करने आती हूँ। मुझे बहुत 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 मानता है इनकी और मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है यहाँ पर आती हूँ। बहुत ज़्यादा एक अच्छी फीलिंग आती है यहाँ आने के बाद में। अभी तक कौन-कौन से आपने कार्यक्रम किए हैं और फिल्में की हैं? मैंने बहुत सारे सीरियल्स, बहुत सारे पिक्चरें की हैं, बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम्स किए हैं। अभी भी मैं एक प्रोग्राम करने ही आई हूँ यहाँ पे। अभी मैं अयोध्या में थी 23 तारीख को, फिर कल जयपुर में, आज यहाँ पे आई हूँ अजमेर में। तो प्रोग्राम्स भी करती रहती हूँ और टीवी शोज़ मैंने बहुत सारे किए। अभी हाल ही में मैंने किया था कुंडली भाग्य, जो बहुत फेमस सीरियल है, वो चल रहा है और मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर था। पर कुछ कारण के बाद मुझे वो छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरे शोज़ आते रहते हैं तो वो थोड़ा मुझे छोड़ना पड़ा था। फिल्में भी काफ़ी मैंने की। अभी अब्बास मस्तान जी के साथ एक फिल्म मैंने कंप्लीट की है, 3 Monkeys करके। उसके बाद में मैं हाल ही में एक फिल्म कंप्लीट की है, वेब सीरीज़, रवीना टंडन जी के साथ में, रेवेंज करके उनका वेब सीरीज़ का नाम है, रेवेंज। और उसमें भी मेरा अच्छा कैरेक्टर है, रवीना जी की अच्छी फ्रेंड बनी हूँ मैं। उसके बाद में यहाँ आने के पहले ही मुझे एक कॉल आया था तो बाबा ने सुन ली, इसीलिए मुझे बस कल ही मुझे एक कॉल आया कि एक नई पिक्चर बन रही है जिसमें अच्छा कैरेक्टर मुझे मिल रहा है। तो बस मैं यही दुआ करूँगी कि उसमें भी मेरा रोल बहुत अच्छा हो और बहुत सक्सेस मिले मुझे। लगभग आपको 12 से 15 साल हो गए लाइन में आए हुए। हाँ। इस लाइन में आने के बाद आपको कौन सा सबसे ज़्यादा सफलतापूर्वक आपका काम लगा? मुझे तो अपने सारे काम बहुत पसंद है। हाँ, सफलतापूर्वक मुझे जो बहुत अच्छा मेरा सीरियल चला था वो था रावी। रावी मेरा बहुत ही फेमस सीरियल चला और काफ़ी हद तक पॉपुलर हुआ और मैं बहुत फेमस भी हो गई थी उसके बाद में। काफ़ी कैरेक्टर मेरा जो था उसमें भुलक्कड़ पुप्पी का कैरेक्टर था और थोड़ा फनी कैरेक्टर था, तो कॉमेडी मुझे वैसे भी पसंद है। वैसे जो मुझे फेम मिला था सबसे ज़्यादा वो था द ग्रेट इन लाफ्टर चैलेंज के बाद में। तो उस पर जब मैं आई थी तो उसके बाद मुझे काफ़ी फेम मिला और काफ़ी पहचान मेरी और बढ़ी। तो मेरा एक्चुअली दोनों ही फेवरेट है, लाफ्टर चैलेंज भी है, उसके बाद मैंने किया द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, हेलो कौन पहचान कौन, हंसते हंसाने का टॉनिक, लेडी स्पेशल, कॉमेडी एक्सप्रेस, लाफ्टर एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सारे मैंने उसके बाद शोज़ किए, टीवी शोज़।